जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आज भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी 1860 यानी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, 1860 के नाम से जानते हैं आपको हम आज दोस्तों इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। और इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं और आपका एसआई का पेपर लगा तो आप तीन चार काम करिए दोस्तों, कि एक हमने लगभग 2 घंटे से कम की दोस्तों मैराथन क्लास, और उसमें हमने पूरा का पूरा संविधान कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। वो अपने आप में एक अलग सी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। उसके अलावा जनहित याचिका जो हमने ट्रिक माध्यम से रटाया उसे देख लीजिएगा, और पुरस्कार कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखिए समय में लेंगे नहीं, और अगर कोई चीज मतलब कि हम बहुत जल्दी देखेंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि हम आपको याद करवाएं या फिर आप याद करें। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, अगर आपको समझ में आता तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो भारतीय दंड संहिता दोस्तों, इसमें अध्याय अगर पूछेगा कितने हैं तो दोस्तों 23 अध्याय हैं, और टोटल धारा कितनी है 511। जैसे कि आपको पता है अपने संविधान में दोस्तों टोटल कितने भाग हैं, जिसको भाग बोलते हैं उसको यहाँ पे अध्याय बोल रहा है। जैसे कि आपको पता है टोटल 22 भाग है दोस्तों संविधान में। ठीक है, और ठीक है, और जो दोस्तों धारा है संविधान के तहत, जैसे संविधान में अनुच्छेद है 295, उसी तरह इसमें क्या है धारा है 511। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा दोस्तों कि ये जो है कब इसको मंजूरी मिली थी, जो आपका ये आईपीसी दोस्तों इसको मंजूरी कब मिली थी। आपको पता होना चाहिए कि 6 अक्टूबर 1860 को इसको मंजूरी मिल गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, मगर लागू दोस्तों कब हुआ तो 1 जनवरी 1862 से। देखिए फिर 1860 क्यों लगाते, क्योंकि इस 1860 में इसको मंजूरी दी गई थी ना, तो ये चीजें याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज दोस्तों कि एक चीज और बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये भारत, देखिए भारत में लागू हो गया था, मगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ, क्योंकि आपको पता है इसी दिन से बहुत सी चीजें जम्मू कश्मीर में नई चीजें लागू हुई हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ देखिए जो आप सोच रहे होंगे 31 अक्टूबर 2019 से पहले यहाँ क्या लागू था जम्मू कश्मीर में, तो आपको बता दें यहाँ पहले आरपीसी चलता था, रणपी है ना पैनल कोड। ठीक है, जिससे 5 अगस्त 2019 को दोस्तों आपको पता है जब से धारा 370 हटाया गया तब वो भी हट गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पिछली बार बहुत बार पूछा गया था कि दोस्तों आईपीसी जो है भारत छोड़कर और कहाँ कहाँ दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्मा, जिसका नाम दोस्तों अभी आप समझते हैं म्यांमार है दोस्तों, मलेशिया में दोस्तों, सिंगापुर में, ब्रुनोई में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान आदि में भी आईपीसी देखी जाती है। आपको बता दें कि ये देश है दोस्तों जहां आईपीसी लागू है दोस्तों। और एक चीज और बताएंगे आपको कि ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूपीएसआई में भी पूछा गया था। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई में भी पूछा गया था दोस्तों, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि जो ये कानून है दोस्तों, सबसे पहले प्रथम विधि आयोग बनाया गया था दोस्तों, प्रथम विधि कानून दोस्तों 1834 में आया था। इसमें कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, कुल 4 सदस्य थे, जिसके दोस्तों मेन कौन थे, मुख्य कौन से, जिसको हम विधि बोलते हैं ना, विधि अध्यक्ष बोल सकते हैं दोस्तों, लॉर्ड मैकाले थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक, जिसके मेन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले दोस्तों। किसके समय में, किसकी सहायता से बनाया गया था प्रथम विधि कानून दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बैंकिंक की सहायता से दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं दोस्तों आईपीसी की तरफ। देखिए एक चीज और याद रखें दोस्तों आईपीसी संबंधित, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों फादर ऑफ आईपीसी किसको कहते हैं, फादर ऑफ आईपीसी, ठीक है, मतलब आईपीसी है ना भारतीय दंड संहिता के पिता कौन है दोस्तों, इसको बनाने वाले कौन है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मैकाले बोलते हैं, किसको, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, चलिए एक चीज और हम बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए अपराध के तत्व कितने होते हैं। देखिए ये अपराध से संबंधित है, आपको पता है कि अपराध से संबंधित है, तो अपराध के तत्व कितने होते हैं दोस्तों, तो 4 तत्व होते हैं अपराध के। पहला होता है दोस्तों मानव, क्योंकि आपको पता है कि अपराध केवल और केवल मानव ही कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा माना था, मात्र कार्य, देखो ये जो अपराध वाला काम है दोस्तों केवल और केवल मानव ही कर सकता है दोस्तों, प्रथम तत्व मानव ही होगा इसका। ठीक है, प्रथम तत्व क्या होगा, मानव ही होगा दोस्तों। दूसरा क्या होगा, दुराशय, दुराशय मतलब किसी के प्रति बुरा आशय जरूर होगा, तभी आप कोई गलत काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों दुराशय, ठीक है, दुराशय दोस्तों सही लिख लेना आप, ठीक है, दुराशय। और तीसरा दोस्तों जो होता है वो होता है आपराधिक कृत्य, कोई ना कोई आप गलत काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोई ना कोई गलत काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक होता है क्षति, अगर उसको क्षति पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है, वो क्षति किसी भी तरीके हो सकती है, बौद्धिक है ना, या फिर दोस्तों शारीरिक है ना, समझ रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे कि अपराध के चरण कैसे होते हैं, तो समझिएगा, पहला होता देखिए आशय होता है, मान लिया दोस्तों आपको किसी को मारना है,
तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आशय आएगा। फिर उसकी आप तैयारी करेंगे। दूसरा चरण क्या होता है? तैयारी करना, ठीक है, तैयारी करना। तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों? प्रयास करना। आप मारने के लिए आपने प्रयास कर दी, ठीक है, और दोस्तों अगर वो मर गया दोस्तों तब आपका क्या हुआ? अपराध का निष्पादन हो चुका, ठीक, अपराध का निष्पादन हो चुका। तो यानी कि पहले आशय आएगा। देखिए, आशय आपने किया और तैयारी भी कर ली और दोस्तों प्रयास नहीं किया दोस्तों, तो यहाँ से आप क्राइम कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। यहीं से अगर वापसी कर लिए, आपने किसी को मारने की योजना बनाई दोस्तों, उसको मारने भी गए मगर किसी कारण आप नहीं मारते हैं, आप चले आते दया खा करके दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर तैयारी किया, पहले आशय होता, कोई किसी के मन में आता है हम मारे इसको, है ना, कोई ना कोई ईर्ष्या होती है, फिर तैयारी करते हैं, फिर प्रयास करते हैं मारने का और दोस्तों फिर अंतिम सफल हो जाता है तो अपराध का निष्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए दंड के तत्व कितने होते हैं ये भी जान लीजिएगा। दंड के तत्व होते दोस्तों पांच। कितने होते हैं? पांच। पहला होता है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रतिशोधकारी। क्या होता है दोस्तों? प्रतिशोधकारी। क्या? प्रतिशोधकारी दोस्तों, जिसको बोलते हैं बदला लेना, तुरंत दोस्तों बदला लेता। कोई मान लिया आपको आपको मारा, तुरंत आपने बदला ले लिया। दूसरा होता है दोस्तों प्रायश्चित। दोस्तों आपने गलत काम किया, ठीक है, गलत काम किया दोस्तों, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं अपने आप को, मान लिया, या फिर अपने आप के साथ में कुछ कर रहे हैं या फिर उसको कुछ मतलब कि हेल्प कर रहे हैं प्रति, है ना, तो प्रायश्चित दूसरा हो गया। तीसरा होता दोस्तों प्रतिरोधक। क्या होता है? प्रतिरोधक। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोधक दोस्तों, जिसको बोलते हैं दूसरे व्यक्ति को नहीं दंड करने से डराता दोस्तों, है ना, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? दंड करने से डराता दोस्तों। और चौथा है निरोधक दोस्तों, कृत्य पर रोक, उसके जो कृत्य होते दोस्तों उन पर रोक लगाते, भैया आज से तुम नहीं जाओगे बाहर, है ना, जैसे कोई लड़की क्या करती दोस्तों पकड़ी जाती है ना किसी साथ में, तो दोस्तों उसको बाहर निकलना बंद कर देते हैं, लड़का हो लड़की हो ना, तो कृत्य पर रोक लगा सकते। और पांचवा होता दोस्तों, है ना, चौथा क्या होगा? निरोधक, है ना, निरोधक। और पांचवा होता दोस्तों सुधारात्मक। क्या? पांचवा होता है सुधारात्मक, मतलब कि दंड सुधारने का मौका भी देता है, मतलब कि इस बार तो गलती कर दी मगर आपको अंतिम बार माफ किया था, अब आप दंड सुधार लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने अपराध के तत्व तो बता दिए कि मानव जिसको दोस्तों बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, है ना, और दोस्तों दुराशय क्या होता है, है ना, मेंस रिया, जिसको हम आपराधिक मनस्थित बोलते हैं, और आपराधिक कृत्य होता तीसरा दोस्तों एक्टस रिया, और दोस्तों छठा होता, चौथा होता है क्षति, जिसको हम इंजरी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आईपीसी की। तो चलिए दोस्तों ये देखिए पीडीएफ है दोस्तों, इसी से हम आपको समझाते चलेंगे और दोस्तों हमें जो लगेगा इंपॉर्टेंट हम वही चीज़ बताएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना तो आपको हम ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए धारा एक दोस्तों, आपको पता अध्याय पहला अध्याय दोस्तों, ठीक है, उसमें उद्देशिका बताया गया दोस्तों उसके बारे में। तो आप देखिए पहले धारा में क्या बताया गया? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन विस्तार। दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ में अगर पहला चीज़ होता वो उसके बारे में बताता, उसका नाम क्या है, तो नाम आपको पता है आईपीसी नाम है दोस्तों, और उसका विस्तार कहाँ कहाँ है दोस्तों ये याद रखेंगे। और देखिए विस्तार पूरे भारत में अब हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है पूरे भारत में अभी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछाता है कि दोस्तों मतलब कि आप समुद्री सीमा में कितना है, तो आपको याद रखना दोस्तों कितना है, तो समुद्री सीमा में कहां तक आईपीसी का विस्तार, तो 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। दोस्तों आपको पता है कि समुद्री सीमा को हम नॉटिकल में मापते हैं, तो ये याद रखेंगे 12 नॉटिकल मील तक ये दोस्तों आईपीसी का मतलब आईपीसी फैला हुआ है, ठीक, तो ये चीज याद रख लेंगे, तो याद रखेंगे। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्तों, तो आपको बता दें 1852 मीटर का, ठीक है, लगभग दोस्तों 1800 मीटर, है ना, ये चीज याद रखेंगे। चलिए तो पहले मैं आपको पता चल गया कि इसके बारे में ही है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला है नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगा हम उसके बारे में बताते जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बस वही चीजें जो हमको लगती है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रही है, या फिर आप अगर ज़्यादा जानकार हैं तो भैया फिर हम इसकी पीडीएफ दे देंगे, आप वहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों धारा 8 में। देखिए धारा 8 क्या कहता है? लिंग। अब देखिए कहीं भी आएगा कि आईपीसी में लिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, पुरलिंग से संबंधित है, ठीक है, जहां कहीं भी समझिएगा, जहां कहीं भी दोस्तों पुरलिंग शब्द का यूज किया जाएगा, पुरलिंग का अर्थ है दोस्तों हर व्यक्ति से, चाहे वो मतलब कि स्त्रीलिंग हो चाहे पुरलिंग हो, तो यहां ऐसा मत समझिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीसी में पुरलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, पुरलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए, नर के लिए, मादा के लिए, या नर और मादा दोनों के लिए, या सभी के लिए, दोस्तों तो सभी के लिए, ठीक है, तो पुरलिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, सभी लोगों के लिए, ठीक, तो लिंग जहां भी आएगा दोस्तों उसमें पुरलिंग का प्रयोग किया था, इंग्लिश में दोस्तों ही का प्रयोग किया जाएगा, तो आप समझ जाना है ये सभी के लिए है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अब दोस्तों वचन की बात करते हैं, ठीक है, क्या है, तो धारा 9 में क्या है, वचन, है ना, लिंग दोस्तों किसमें, 8 में क्या है दोस्तों, लिंग का उल्लेख इसमें दोस्तों 8 में है, मतलब 8 में है, ठीक है। वचन दोस्तों आप समझ सकते हैं वचन 9 में है, ठीक है, कितने में वचन है दोस्तों, 9 में, ठीक। और दोस्तों समझिएगा 10 में क्या है, पुरुष या स्त्री, मतलब क्या है दोस्तों, 10 में क्या है,
पुरुष या स्त्री के बारे में बताएगा, ठीक है। पुरुष या स्त्री मतलब जहां पुरुष की बात की जाएगी दोस्तों वो नर होगा, और जहां स्त्री की बात की जाएगी दोस्तों वो क्या होगी, नारी होगी, ये कहा गया, ठीक है। अब देखिए 11 दोस्तों इंपॉर्टेंट, 11 दोस्तों क्या है, व्यक्ति। अब देखिए व्यक्ति का संबंध केवल और केवल मनुष्य से नहीं दोस्तों, समझिएगा, केवल और केवल मनुष्य से नहीं, मतलब व्यक्ति में कोई भी आ जाएगा। देखिए कोई भी कंपनी आ जाएगी दोस्तों, कंपनी को भी व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी हो गया, या फिर कोई दोस्तों एसोसिएशन हो गया, संघ हो गया दोस्तों, या फिर संगम हो गया, और दोस्तों कोई निकाय हो गया, ठीक है, सभी को दोस्तों व्यक्ति के अंतर्गत ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, व्यक्ति मतलब कोई कंपनी को भी कहा जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो व्यक्ति की परिभाषा आप समझ गए होंगे। देखिए 12 में क्या है, लोक, ठीक है, लोक 12 में है दोस्तों, ठीक है, क्या है 12 में, क्या है लोक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 19 में क्या है, न्यायाधीश की बात की गई, 19 में क्या है न्यायाधीश, ठीक है। 19 में क्या है, अभी देखिए इसकी परिभाषा ही केवल दिखाई जा रही है दोस्तों। तो 19 में क्या है न्यायाधीश, और 20 में न्यायालय, 19 में न्यायाधीश, 20 में न्यायालय, और 21 में है लोक सेवक, ठीक। 21 में क्या है, लोक सेवक के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 22 की तरफ। देखिए 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 के बारे में हम समझ लेंगे, क्या 22 दोस्तों। 22 में कहा गया जंगम संपत्ति, 22 में क्या है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का मतलब पता क्या होता है, देखिए जंगम संपत्ति का मतलब होता है जो मतलब कि मूर्त संपत्ति बोलते हैं, जैसे कि आपकी बाइक हो गई, भूमि हो गई, है ना, ये सब चीजों का वर्णन किया गया इसमें जंगम संपत्ति। पूछ सकते हैं जंगम संपत्ति का होता है दोस्तों जो मतलब कि पैसा रुपया नहीं दोस्तों, मतलब बाइक हो गई, है ना, ये सब चीजों को। देखिए 23 में क्या है सदोष अभिलाभ, क्या है दोस्तों सदोष अभिलाभ किसमें है दोस्तों, 23 में है, मतलब गलत तरीके से कमाया गया लाभ दोस्तों, ठीक है। चलिए सदोष लाभ क्या होता है, गलत तरीके से कमाया गया लाभ दोस्तों, ठीक है। चलिए 23 हो गया, 24 दोस्तों बेईमानी बताई गई है, और 25 में कपटपूर्ण, ठीक है, क्या है कपटपूर्ण, ठीक है, और 26 में क्या है दोस्तों, 27 देखिएगा कि पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति दोस्तों, क्या है कि पत्नी लिपिक और सेवक के कब्जे में जो संपत्ति दोस्तों, मान लिया कि बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं घोटाला करके दोस्तों पत्नी के नाम कर देते हैं या फिर सेवक के नाम कर देते हैं, तो उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि 28 में क्या है कूटकरण, कूटकरण क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ का नकली बनाना, ठीक है, उसका हुबहु दोस्तों क्या कर लेना, कॉपी कर लेना दोस्तों, कूटकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 29 नंबर का है दस्तावेज बताएगा, इसमें क्या बताएगा दस्तावेज दोस्तों, अभी देखिए केवल वही चीज़ें बता रहे हैं। और देखिए 29 ए दोस्तों ये समझ सकते हैं दोस्तों कि IT एक्ट के उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताएगा विल दोस्तों, विल क्या होती है वसीयत दस्तावेज को दोस्तों विल कहा गया, ठीक है, 31 में बताएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों अब देखिए 34 ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 34 नंबर की, समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। देखिए मान लिया दोस्तों कि 5-6 लोग हैं दोस्तों, वो चोरी करने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, चोरी करने के लिए दोस्तों प्लान बनाते हैं, और दोस्तों एक कहता है कि आप घर के बाहर देख रहे हैं कोई आ ना पाए, दूसरा दोस्तों है ना और दूर खड़ा होकर दोस्तों फोन करता है उनको कि अगर कोई आएगा हम बताएंगे दोस्तों, दो लोग इसके अंदर कूदते हैं, अगर पकड़े जाते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि सबका समान आशय था दोस्तों, सभी लोग क्या होंगे दोस्तों दंडित होंगे दोस्तों। इससे कुछ वाद भी दोस्तों महबूब शाह है ना, तो महबूब शाह दोस्तों समान आशय संबंधित, महबूब शाह बनाम इंपायर दोस्तों, और वारेंद्र कुमार घोष बनाम इंपायर दोस्तों, है ना, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेते हैं। समान आशय का मतलब क्या होता है, पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक ही उद्देश्य के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जैसे पहले से योजना बनाते हैं, भैया आज इनके यहां हमें चोरी करनी है ना, पहले से ही योजना बना के कोई काम करना, वही पूर्व नियोजित हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, वही पूर्व नियोजित होता है। चलिए आगे देखते हैं, और दोस्तों याद रखेंगे कि 40 में क्या बताएगा अपराध के बारे में, बताएगा कि अपराध, ठीक है, अपराध का वर्णन किसमें है, धारा 40 में, ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे। अब दोस्तों अध्याय 3 देखते हैं, अध्याय 3 किससे संबंधित, दंडों से संबंधित, ठीक है। अब देखिए 53 में, धारा 53 में क्या बताया दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के दंड दिए जाएंगे, कितने प्रकार के दंड दिए जाएंगे दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें दोस्तों कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख दोस्तों, तो अब दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, 5 प्रकार के दंड है, कितने दोस्तों 5 प्रकार के दंड है। देखिए पहला है दोस्तों मृत्यु, आपको पता है फांसी, ठीक है, दूसरा क्या है आजीवन कारावास, पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है दोस्तों, दूसरा है आजीवन कारावास दोस्तों, ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपको पता है एक हटा दिया गया, तीसरा क्या था दंडदास्ता, क्या था दोस्तों दंडदास्ता दोस्तों, उसको हटा दिया गया, ठीक है, क्या था दंडदास्ता दोस्तों, उसको हटा दिया गया 1949 में, इसको निरस्त कर दिया गया। अब दोस्तों चौथा क्या है कारावास, ठीक है, कारावास भी दोस्तों आपको पता है दो तरीके होते हैं, कारावास दो तरीके होते हैं, कठोर कारावास दोस्तों, एक सादा कारावास, आपने मूवी में देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग
पत्थर तोड़ा करते हैं, कुछ लोग आराम से जेल की रोटी तोड़ते हैं दोस्तों, वो होता है जो पत्थर तोड़ते हैं कठिन होता है, और जो आराम से बैठ के अय्याशी के साथ जेल बिताते हैं दोस्तों वो सादा होता है। ठीक है, अब पांचवा दोस्तों क्या है, संपत्ति का संपहरण। दोस्तों ये आपको पता होगा इसको कुर्की बोलते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कुछ करते हैं दोस्तों और कोर्ट के समक्ष दोस्तों आप नहीं होते दोस्तों, आपके घर की सारी सामान उठवा लिया जाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कुर्की। और छठा क्या होता है, जुर्माना। कभी कभार दोस्तों किसी चीज में जुर्माना लगाया जाता है, तो पांच बचे हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हटा दिया गया, ये दोस्त तीसरा वाला था दोस्तों इसको हटा दिया गया है, ये चीज याद रखेंगे। कौन कौन से दोबारा बताते, एक पहला हो गया दोस्तों मृत्यु, ठीक है पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, और तीसरा दोस्तों कारावास, जो कि कारावास भी दो तरीके होता है, चौथा दोस्तों कुर्की, और पांचवा जुर्माना। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे, पांच प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्या पांच प्रकार के दंड दिए जाते हैं अपने आईपीसी में। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 73 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसको बोलते हैं एकांत प्रतिरोध। दोस्तों एकांत प्रतिरोध का आता है जब दोस्तों किसी को मिलने नहीं देते दोस्तों, किसी से मिलने से आतंकवादी होता है दोस्तों, उसको पकड़ लिया तो एकांत प्रतिरोध करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में बताना चाहते हैं तो कि किस प्रकार से एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, जब देखिए जब 6 माह की सजा हो दोस्तों, तो कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही एकांत प्रतिरोध रख सकते हैं, समझिएगा। एकांत प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं, मान लीजिए 6 माह की दोस्तों उसको सजा हुई है, तो 1 महीने तक ही दोस्तों क्या कर सकते हैं, एकांत प्रतिरोध में रख सकते हैं। अगर उस 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम हो, यानी 6 माह से लेकर के दोस्तों 1 वर्ष के बीच सजा हो, क्या 1 वर्ष के बीच सजा हो दोस्तों, तो 2 महीने तक दोस्तों एकांत प्रतिरोध रख सकते हैं दोस्तों। और अगर 1 वर्ष से अधिक हो दोस्तों, मान ले 1 वर्ष से अधिक की सजा है दोस्तों, तो कितने दिन तक दोस्तों, तो 3 माह तक ही उसको एकांत प्रतिरोध रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है कि एकांत प्रतिरोध कैसे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह भी बता दिया गया। और दोस्तों एक चीज फिर आपको बता दें कि दोस्तों 74 में क्या कहा गया है, एकांत प्रतिरोध की अवधि। ठीक है, इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि अगर एक बार में दोस्तों कम से कम एक बार में अगर दोस्तों नजरबंद करते हैं, मतलब एक बार में दोस्तों ज्यादा ज्यादा दोस्तों 14 दिन तक ही रख सकते हैं नजरबंद, मतलब कि एकांत प्रतिरोध में कम से ज्यादा ज्यादा दोस्तों 14 दिन। ठीक है, फिर अगर बता दें दोस्तों, अगर 3 महीने से अधिक कारावास हो गए दोस्तों, 7 दिन से अधिक नहीं रख सकते। अगर देखिए एक बार में 14 दिन, अगर 3 महीने से अधिक है दोस्तों कारावास में, तो 7 दिन से अधिक नहीं रख सकते, तो ये चीज बताई गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं 80 में। देखिए धारा 80 क्या कहता है, विधिपूर्ण कार्य करने से दुर्घटना, मान लिया कोई विधिपूर्ण कार्य दोस्तों हम अवैध काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उससे दुर्घटना में माफी मिल जाती है। इससे मान लिया दोस्तों एक ए है दोस्तों, क्या है ए, ठीक है ए क्या कर रहा दोस्तों, मान लिया ए जो है बैठ के दोस्तों कुल्हाड़ी लेकर दोस्तों एक नारियल नारियल को काट रहा, ठीक है नारियल को तोड़ रहा दोस्तों, और दोस्तों नारियल को तोड़ रहा था दोस्तों पूरी सावधानी साथ तोड़ रहा था। ठीक है, वहीं से बी गुजर रहा था पास से दोस्तों, उससे नारियल पे जैसे ही कुल्हाड़ी मारी दोस्तों, नारियल उछल के बी को लगता दोस्तों, बी की मृत्यु हो जाती है, बी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस केस में ए ने कोई दोष नहीं किया दोस्तों, ए को क्षमा मिल जाएगी, तो यही चीज इसमें बताया गया है, क्या दोस्तों यही चीज इसमें बताया गया है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ठीक है अब देखिए 81 में क्या कहा है, कार्य जिसमें अपहानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है समझिए दोस्तों, मान लीजिए ऐसा काम जो दोस्तों अपहानी कारित करने संभव हो दोस्तों, ऐसा लगता हो तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लिया दोस्तों कोई बच्चा है दोस्तों ना, कोई माँ है दोस्तों, माँ गर्भवती है दोस्तों, और वो उसे अस्पताल लाया गया, ठीक है, और दोस्तों उसको पता है कि इसमें से डॉक्टर के सामने एक परेशानी आ गई दोस्तों कि उसमें से या तो माँ को बचाया जा सकता है दोस्तों या फिर बच्चे को, तो दोस्तों क्या करेगा जो डॉक्टर दोस्तों, उसने क्या किया बच्चे को मतलब बच्चे को बचाने मना कर दोस्तों माँ को बचा लिया। ठीक दोस्तों, उसने ये गलती ये मतलब कि कोई भी अपराध नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि माँ की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों बच्चे की अपेक्षा। ठीक है, वैसे बच्चे को मारना दोस्तों पाप है, मगर दोस्तों ऐसी कंडीशन जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि करना पड़े दोस्तों, वहाँ पर यह अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर यह अपराध नहीं माना जाता, जहाँ पर दोस्तों ये चांस हो हाँ एक ही को बचाया जा सकता है दोस्तों, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए 82, अब देखिए 82 का कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु द्वारा किया थी, मान लिया कोई बच्चा दोस्तों 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई काम करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या दोस्तों, 7 वर्ष से कम बच्चे द्वारा किया गया काम कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फिर कहा गया दोस्तों 83 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष से कम बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा दोस्तों 7 वर्ष से कम, है ना। अब देखिए 83 में क्या कहा है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरपक्व समझ वाले शिशु। ठीक है, अब देखिए मान लिया दोस्तों 7 वर्ष से बड़ा है,
ठीक। और 12 वर्ष से कम है दोस्तों, मगर उसके अंदर दोस्तों भी सही सलामत बुद्धि के विकास नहीं हुआ दोस्तों, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता दोस्तों। मान ले दोस्तों किसी बच्चे की एज कितनी है, 8 साल है दोस्तों, उसने क्या किया ये बंदूक रखी दोस्तों है ना, उसे खिलौना समझे दोस्तों, किसी पर चला दिया, उसे नहीं पता दोस्तों कि ये बंदूक क्या है, चलेगी तो कोई मर जाए दोस्तों, उसने खिलौना समझ चला दिया, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर समझ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उसने भी कोई गलत काम नहीं किया, ये बताया गया। और दोस्तों 84 में क्या कहा गया, विकृतचित व्यक्ति का कार्य, विकृतचित क्या होता है दोस्तों, जो जिनके हालात मतलब सही नहीं होते हैं, ठीक है। विकृतचित मतलब क्या होता है, जो हालात सही नहीं होते, मतलब जो एकदम पागल से हैं, ठीक है। विकृतचित के देखिए ऐसे 4 प्रकार के लोग हो सकते हैं। पहला एकदम जड़ मतलब मूर्ख हो, ठीक है, एकदम मूर्ख हो, जिनको पता होगा मूर्ख, और ये डॉक्टर बताएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार के मूर्ख बन जाओ, ठीक है। पहला क्या हो, मूर्ख हो, या फिर दोस्तों दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पागल के कारण दोस्तों विकृतचित हो गया ना, मतलब किसी बीमारी कारण, ठीक है, किसी बीमारी कारण एकदम कि उसके दिमाग विमाग सब कुछ सुध-बुध खो बैठा हो ना, या फिर दोस्तों तीसरा क्या हो, वो पागल ही हो दोस्तों, या फिर दोस्तों मत व्यक्ति हो ना, तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, विकृतचित। ऐसे लोग कुछ कार्य करते दोस्तों वो अपराध नहीं होता, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा दोस्तों। दोस्तों 85 नंबर क्या कहता है कि इच्छा के ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के कारण होने पर निर्णय, दोस्तों मत्ता मतलब क्या होता है, नशे में। मान लिया दोस्तों ए जो है कहीं पार्टी में गया दोस्तों, ए पार्टी में गया दोस्तों, ठीक है, और बी ने क्या किया उसके मतलब कि ड्रिंक में दोस्तों उसने कुछ मिला दिया नशे में दोस्तों, और ए को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा दोस्तों, उसने कुछ गलत काम कर दिया दोस्तों, तो इस हालत में अगर ये सब कुछ पाए जाते सही तो दोस्तों ए ने कोई गलत काम नहीं किया दोस्तों, इसका दोषी कौन होगा, बी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है 85 में, मतता मतलब क्या, नशे में दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध उस जिससे विशेष आशय का ज्ञान न होना अपचित हो, मतलब कि उसे पता ना हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया दोस्तों, मान लिया कि कोई नशे में दोस्तों, नशे में है और वो क्या कर रहा दोस्तों, किसी के यहाँ जाकर दोस्तों तिजोरी का लॉक तोड़ रहा दोस्तों, और तोड़ के चोरी करता दोस्तों, इसका मतलब क्या दोस्तों, उसको पता तो है ना कि ये चोरी हम कर रहे हैं, तो ये कैसा नशा हुआ ना, तो इसमें दोस्तों वो तोसी पाया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगला है दोस्तों, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना ज्ञात हो, दोस्तों आपको समझ आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसी से आपके एग्जाम में उदाहरण पूछे गए थे पिछली बार दोस्तों, ए और बी क्या है दोस्तों, मुक्केबाजी कर रहे हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ए और बी मुक्केबाजी कर रहे हैं दोस्तों, और ए ने बी को दोस्तों मुक्का मार दिया, और दोस्तों बी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो क्या ए ने ए को दोषी माना जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि सर्वसम्मत से दोस्तों खेल था, उसने जानबूझ के कोई काम नहीं किया दोस्तों, या फिर दोस्तों एक मान लिया कि ए और बी है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों तलवारबाजी खेल है दोस्तों, ए ने तलवार मारी दोस्तों, बी को लग गई दोस्तों और उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब भी दोस्तों ए का कोई भी दोष नहीं है, तो ये चीज बताएगा किसमें, 87 में दोस्तों। और ये क्वेश्चन इसके उदाहरण दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, क्या इसके उदाहरण दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्ण किया गया कार्य उसे जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं दोस्तों, आपको बता दें, जैसे मान ले दोस्तों ए डॉक्टर है और दोस्तों बी उसके पास आया दिखाने इलाज के लिए, और ए दोस्तों डिग्री मतलब डिग्री अच्छी डिग्री अच्छा डॉक्टर है दोस्तों, और बी को मतलब कोई बीमारी दोस्तों, ए क्या करता है दोस्तों उसको ऑपरेशन करता है, डॉक्टर क्या करता है, एक मतलब कि वो तो अच्छे दिल से कर रहा है ना कि हम इसको ठीक कर लेंगे, अब दोस्तों उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, फिर डॉक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया, मतलब सद्भावना उसने अच्छे भावना से दोस्तों कार्य करने की सोची थी, उसको जीन मतलब कि समझ रहे ना, तो दोस्तों मगर उसकी मृत्यु हो गई, तो दोस्तों इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें यही चीज बताया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 89, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मत से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य दोस्तों, ठीक है, ठीक है। मान ले दोस्तों कोई छोटा बच्चा है दोस्तों, वो थोड़ा सा पागल टाइप का है दोस्तों, ठीक है, उसके माता पिता चाहते हैं दोस्तों उसके हित में कोई काम करवाना चाहते हैं दोस्तों कि इसकी इलाज करवा दे, और उससे उसकी मृत्यु जाती है दोस्तों, तो उसमें माता पिता की कोई गलती नहीं होगी, इसके बारे में ये बताया गया 89 में। चलिए आगे देखते हैं अगला दोस्तों कि सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि भ्रम या भय के अधीन दी गई दोस्तों, आपको पता है कि कोई आपको डरा करके दोस्तों कोई काम करवाता, मान लिया दोस्तों आपको डरा करके दोस्तों आपका यौन शोषण कर रहा है दोस्तों, तो वो भी क्या है गलत काम है, या फिर दोस्तों देखिए भय से होगा, और भ्रम से दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बाबा दोस्तों आसाराम बापू ना, इस तरह की चीज़ें दोस्तों जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती है, मतलब कि भय से या फिर दोस्तों भ्रम से, ठीक है, शादी के भ्रम में मान लिया आप किसी ने यौन शोषण कर लिया दोस्तों, वो भी इसी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक, वो क्या होगा दोस्तों इसी के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह हम करते रहेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा
बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्रतिष्ठा के बारे में दोस्तों 96 से, है ना। देखिए राइट टू सेल्फ डिफेंस, दोस्तों आपको बता दें कि प्राइवेट प्रतिष्ठा में कही गई बात है ना। देखिए प्राइवेट प्रतिष्ठा में क्या कहा गया दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने खुद की प्रतिरक्षा में किसी को दोस्तों प्रतिष्ठा में अगर किसी की जान चली जाए दोस्तों वो क्या है आपका आपके द्वारा दोष नहीं है दोस्तों। आपने कोई गलत काम नहीं किया अगर आपकी आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी को मार देते हैं, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। और दोस्तों देखिए प्रतिष्ठा आप स्वयं की कर सकते हैं और दूसरों की भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्या स्वयं की और दूसरों के भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मान लो दोस्तों आपको लगता है ए दोस्तों आपकी तरफ कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा दोस्तों, है ना, बी है ना, बी जो है आपके ऊपर कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा दोस्तों, आपको लगता है कि मार ही देगा, तो आप दोस्तों उससे पहले अगर उसको मार देते दोस्तों आपने कोई गलत काम नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, तो सेल्फ हो गई दोस्तों। और आपको बता दें कि मान लो दोस्तों आप देख रहे हैं ए और बी, ठीक, ए और बी दोस्तों लड़ रहे हैं और दोस्तों ए ने क्या किया दोस्तों, गन निकाल ली है, गन निकाल ली बी को मारने के लिए, और आप देख रहे हैं आपके हाथ में दोस्तों डंडा था, आपने फेंक के मार दिया दोस्तों एक तरफ और उसकी गन छूट जाती, मगर दोस्तों उससे चोट लग जाती है जिससे दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपने कोई गलत काम नहीं किया दोस्तों। दूसरे के प्राइवेट प्रतिष्ठा में दोस्तों आप ये कर सकते थे, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों किसके लिए और प्राइवेट प्रतिष्ठा दोस्तों संपत्ति के मामले भी हमें और स्वयं और दूसरों के लिए भी प्रतिष्ठा का अधिकार है दोस्तों, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 97 में हमने बता दिया किस तरह से होते दोस्तों, ठीक है। अब 98 दोस्तों अब देखेंगे, सीधा हम देखेंगे दोस्तों 99 के बारे में, 99 में क्या बताया दोस्तों, किस किस चीज में आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा प्राप्त है दोस्तों, किस किस चीज में आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा प्राप्त है दोस्तों। अब देखिए ये आपको बता दें, कार्य जिसके विरुद्ध दोस्तों निजी प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं दोस्तों, किसमें निजी प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं दोस्तों, ये चीज बताएगा इसमें, है ना। अब देखिए किसमें नहीं है, मान लो दोस्तों कि सामने वाला कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे दोस्तों की घोर मृत्यु की उपहति हो, मान लो आप दोस्तों कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको पता है कि घोर मृत्यु हो जाए किसी की, तब भी आप कर रहे हैं वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला है लोक सेवक द्वारा अपना कर्तव्य करते हुए प्रयत्न करते हुए किया गया कार्य, मान लो दोस्तों लोक सेवक है कोई सरकारी कर्मचारी, उसको कहा गया कि भैया ये काम करना है आपको और उससे दोस्तों कोई चीज की हानि होती दोस्तों, है ना, गलत तरीके से ना हो तो भी दोस्तों उसको प्रतिष्ठा का गलत तरीके से करते हो तब भी उसको प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं होगा ना। तो कुछ चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं जानना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 नंबर, शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार है ना मृत्यु कारित करने पर कब होता है दोस्तों, आप मान लिया कि किसकी कब मृत्यु आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों, देखिए कितने प्रकार के जो हैं दोस्तों दिए गए हैं, तो आपको बता दें कि टोटल दोस्तों 7 प्रकार की चीजें दी गई हैं, ठीक है, 7 प्रकार की चीजें। पहला है दोस्तों अगर कोई आपको दोस्तों क्या है समझिए, पहला क्या है दोस्तों अगर कोई ऐसा हमला करता है आपको लगता है दोस्तों हमको मार देगा, ठीक, हमको मार देगा, आपकी मृत्यु कारित कर देगा दोस्तों, तब उसे मार सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको लगता है दोस्तों क्या बहुत ज्यादा दोस्तों आपको क्या कर देगा एकदम से, मान लीजिए आपका हाथ ही पैर काट देगा दोस्तों, भले ही मन ही मरेंगे मगर गंभीर चोट कर देगा तब भी आप मार सकते हैं। तीसरा दोस्तों आपके साथ अगर बलात्कार कोई करता है, बलात्कार करने के आशय से दोस्तों हमला किया गया तब भी आप उसको मार सकते हैं, लड़कियों सुन लो, अगर कोई भी आपके साथ ऐसा चीज होता है दोस्तों आप उसे मार सकती हैं, ठीक है। तीसरा चौथा क्या है दोस्तों, प्रकृति विरुद्ध दोस्तों काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों अप्राकृतिक वासना, समझ लीजिएगा अप्राकृतिक वासना अगर कोई करना चाहता है दोस्तों आपके साथ तब भी आप उसको मृत्यु कारित कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए अगला क्या है दोस्तों, अपहरण, अगर दोस्तों आपको कोई अपहरण करता है दोस्तों, आपको पता है फिल्मों में क्या करते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं दोस्तों, है ना, फिरौती मांगते हैं, अगर दोस्तों आपको कोई अपहरण करने का प्रयास करता है तब भी आप उसे मार सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों सदोष अभिलाभ, है ना, सदोष परिरोध, दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई दोस्तों आपको उठा करके कहीं ऐसी जगह ले जाता है दोस्तों जहां पे कोई ना हो, ठीक है, ऐसा लगता है दोस्तों यहां से कोई दूर दूर तक, आपको पता होगा पहले फिल्मों में होता नहीं दोस्तों, उठा के ले जाते हैं कहीं ऐसी जगह जंगल वंगल सब वहां रखते हैं, तो वहां भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी को मार के दोस्तों भाग सकते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों ये 7वां जोड़ा गया, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर कोई तेजाब फेंकने का काम करता दोस्तों या प्रयास करता दोस्तों तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, मार सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप बताइएगा। और दोस्तों तेजाब से संबंधित हमने बताया था दोस्तों एक मूवी बनी है छपाक दोस्तों, है ना, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपको बता दें कि इससे संबंधित दोस्तों एक वाद है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्या विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला है दोस्तों, दोस्तों ये समझ चुके हैं, चलिए 103 पे देखते हैं दोस्तों, 103 का संपत्ति का अधिकार, दोस्तों संपत्ति के लिए भी आप किसी को मार सकते हैं। पहला क्या दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लूटने को उससे लूटपाट करने की कोशिश करता है दोस्तों तब आप उसको मार सकते हैं। दूसरा क्या दोस्तों, रात्रि गृह भेदन, आपके घर में दोस्तों रात में कोई घर में घुसता दोस्तों तब उसकी मृत्यु कर सकते हैं। या दोस्तों तीसरा क्या है कि आपके यहाँ दोस्तों कोई आग लगाता, मान लो दोस्तों तंबू है ना जलयान दोस्तों, उसमें आग लगाने कोई कोशिश करता तो उसको तब कर सकते हैं। और चौथा दोस्तों चोरी रिष्टि ग्रह अतिचार दोस्तों, ग्रह में सुरंग खोद के दोस्तों
घुसने की कोशिश करता दोस्तों, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों आपको बता दें कि राज्य संशोधन दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया दोस्तों, ये अलग सा है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि पांचवा क्या है दोस्तों, अग्नि विस्फोटक पदार्थ से इन पर कार्य करना दोस्तों, आप विस्फोटक किसी सरकारी संपत्ति दोस्तों या वाहन रेलवे के विरुद्ध दोस्तों अग्नि का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, बुझाते हैं दोस्तों, किसी चीज को जला देते हैं, आग के हवाले करते हैं, विस्फोटक द्वारा क्षति पहुंचाते हैं दोस्तों, तब भी आपको आपकी मृत्यु में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी रेलवे लोहे में आग वाग मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो भैया मार दे जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला दोस्तों, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कार्य करने पर कब तक होता है दोस्तों, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए अब दोस्तों अगला है पांच में क्या है, दुष्प्रेरण के विषय में। दुष्प्रेरण क्या होता है दोस्तों, किसी को दुष्प्रेरण मतलब किसी को बहला फुसला के दोस्तों उससे कोई काम उकसा के कोई काम करवाना। मान ले दोस्तों ए और बी की लड़ाई है, ए और बी की लड़ाई दोस्तों, उसने ए ने सी को समझाया दोस्तों इसको आप मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उसने दोस्तों इसको चढ़ा दिया और इसने जाके इसको मार दिया दोस्तों, तो अब अपराधी आप भी होंगे, क्या अपराधी आप भी होंगे दोस्तों, ये दुष्प्रेरण में कहा गया दोस्तों, ठीक है। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा थोड़ा सा, तो हम इसको वही चीज देखेंगे जो दोस्तों हमारे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, इंपॉर्टेंट सभी है मगर दोस्तों इतना समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उत्प्रेरण के बारे में बताया, देखिए ये जो चीजें दोस्तों प्रतिरक्षा के हिसाब से उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों भाग अध्याय पांच ए में दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है ना, कि कोई अवैध कार्य दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र ना मिलकर दोस्तों है ना, तो षड्यंत्र रचना दोस्तों ये भी क्या बताएगा दोस्तों, इसके बारे में बताएगा। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि अध्याय छह दोस्तों राज्य के विरुद्ध है ना अपराधों के विषय में दोस्तों, ठीक है, अपराधों के विषय में दोस्तों 121 में क्या बताएगा कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, आपको पता है कि राजद्रोह कब लगेगा दोस्तों, जब आप भारत के विरुद्ध क्या युद्ध की छेड़ देते हैं दोस्तों है ना, या फिर दोस्तों युद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, ये युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण को भड़काते हैं, किसी देश को भड़काते हैं दोस्तों, वो भी आपके लिए क्या होगा, राजद्रोह का मामला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, राजद्रोह कब लग सकता है दोस्तों, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि सामग्री, मतलब आप मान लो दोस्तों भारत सरकार के खिलाफ दोस्तों युद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं, गोला बारूद इस तरह की चीजें आप मतलब रखते हैं, या फिर दोस्तों उनको इकट्ठे कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आपके ऊपर ये लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला दोस्तों, लोक सेवक की स्वेच्छा राज कैदी या पुलिस कैदी को भागने देना दोस्तों, मतलब कि अगर आप दोस्तों लोक सेवक हैं है ना, मान लिया आपकी ड्यूटी लगी है जेल वार्डन में दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं कि किसी कैदी को दोस्तों पैसे लेकर के भगा दे रहे हैं, ठीक, तो दोस्तों वो भी क्या है दोस्तों, वो भी दंडनीय है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो होगा आपका। अब देखिए अध्याय सात क्या कहता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया दोस्तों, कि सेना हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया, इनके बारे में बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले, ठीक, अगले तरफ। अब देखिए ये है दोस्तों आठ नंबर अध्याय, आठ क्या है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए विधि विरुद्ध जमाव, देखिए क्वेश्चन आएगा विधि विरुद्ध जमाव का दोस्तों, धारा 141, ठीक, इसमें क्या होता है कि पांच से अधिक लोग जब जमाव होता है दोस्तों, पांच से अधिक लोगों के जमाव को दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव कहा था। देखिए अकेले हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अकेले कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का होता है दोस्तों, पांच से अधिक लोग अगर होंगे तभी उसको बोलेंगे विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, जो सरकार के खिलाफ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कह रहा है 141 हो गया। अब दोस्तों एक है बलवा करना दोस्तों, बलवा जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा या दोस्तों बल या हिंसा का प्रयोग किया था दोस्तों, ऐसे जमाव का हर सदस्य दोस्तों बलवा करने का आपराधिक दोषी होता है दोस्तों। मान लिया आपने विधि विरुद्ध जमाव किया दोस्तों, उसके बाद उसमें से किसी सदस्य ने कोई गलत काम कर दिया दोस्तों, तो आप भी उसके उसी दंड से निवाजे जाएंगे, मतलब इसीलिए कहते हैं दोस्तों की भीड़ से अलग रहिए, ठीक है। तो बलवा के लिए दंड भी दिया गया दोस्तों, वो दंड आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 वर्ष से अधिक तक की सजा भी रहेगी दोस्तों, जुर्माना होगा, दोनों चीज कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। और दोस्तों घातक आयुध से सज्जित होगा दोस्तों बलवा करना, मतलब कि आप पूरा लैस करते दोस्तों, हथियारों से करते हैं दोस्तों, तब भी आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और समान उद्देश्य के लिए दोस्तों कम से कम दोस्तों कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग, क्या कम से कम दोस्तों 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो और दोस्तों ये पूर्व नियोजित आवश्यक नहीं दोस्तों, मान लिया कि हाँ जब आप विरुद्ध कर रहे हैं दोस्तों, पहले से योजना ना बनी हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसके दोस्तों पहले की योजना नहीं होती, मगर सामान्य आशय में पहले से ही वो चीजें सोच ली जाती है हमें करना क्या है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए एक चीज आपको बता दें कि दंगा और बलुआ, देखिए दंगा और बलुआ में क्या अंतर होता है, देखिए दंगा और बलुआ,
समझिएगा, दंगा हो गया एक, एक बलवा हो गया दोस्तों। देखिए दंगा क्या होता है दोस्तों, दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही किया जाता है, ठीक है। दंगा क्या होता है दोस्तों, सार्वजनिक स्थान पर केवल किया जाता है, ठीक। और बलवा क्या होता है दोस्तों, सार्वजनिक और निजी दोनों स्थान पर किया जा सकता है दोस्तों। और दो, देखिए दंगा में दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति भी दंगा कर सकते हैं, मगर दोस्तों बलवा जो है कम से कम पांच व्यक्ति है ना, कम से कम पांच तो होने ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बलवा और दंगा में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। अब सो अध्याय नौ में देखते हैं, अध्याय नौ में कहा गया है लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में इसमें बताया गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ हम मतलब है नहीं दोस्तों, तो चलते हैं आगे देखते हैं। लोक सेवक जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता दोस्तों, मान ले कोई लोक सेवक है दोस्तों वो खुद कोई गलत दस्तावेज रखता दोस्तों, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रिश्वत के बारे में देखिए, यहाँ पर रिश्वत बताया गया 171 के खा में, ठीक है दोस्तों। बस इतना याद रखेंगे कि 9 का ए है दोस्तों इसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक है। कि निर्वाचन में अगर आप दोस्तों रिश्वत लेते हैं, ठीक है, और दोस्तों या फिर दोस्तों निर्वाचन मतलब कि करने में दोस्तों असर डालते हैं गलत तरीके दोस्तों, उसके बारे में ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अध्याय 10 है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में दोस्तों, है ना, ये चीज़ बताएगा। इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से है नहीं, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए 11वां है दोस्तों, 11वां अध्याय क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य या लोक न्याय के विरुद्ध दोस्तों अपराधों के विषय में। अगर आप किसी को मिथ्या साक्ष्य देते हैं दोस्तों, तब भी आपके खिलाफ जो होगा कार्रवाई दोस्तों, 191 में बताया गया मिथ्या साक्ष्य देना दोस्तों, है ना। 92 क्या है, मिथ्या साक्ष्य घटना दोस्तों, गलत तरीके से कुछ बता रहे हैं कि हाँ ये हमारे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उसके बारे में दोस्तों बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों और अध्याय 12 में क्या है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के संबंध में। मान लें दोस्तों आप सिक्के को गलत सिक्के छापते हैं दोस्तों, सिक्के है ना, उसके सिक्के को कूट करना दोस्तों, सिक्का बनाते हैं फिर नोटें छापते हैं दोस्तों, उसके बारे में दंड दिया गया है, ठीक है। भारतीय सिक्कों कूटकरण करते हैं उनको, है ना, और उनको बेचते हैं कूटकरण करके दोस्तों, उनको उपयोग उपकरण करते हैं बनाना या बेचना करते हैं दोस्तों, तब आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। सिक्का हो दोस्तों या फिर स्टाम्प दोस्तों आप कर रहे हैं, जैसे स्टाम्प होते हैं जो दोस्तों आपके घर वर खरीदते हैं तब उसमें लगते हैं दोस्तों, उनके आप नकली बना रहे हैं दोस्तों, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है दोस्तों। 13 में क्या कहा गया, बांटों और मापों के संबंधित अपराधों के विषय में, कि तोलने में आप दोस्तों गलत काम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कम बांट तोलते हैं या फिर खोटे उपकरण दोस्तों, गलत उपकरण रखते हैं कि 1 किलो के वजन में दोस्तों 900 ग्राम ही तोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताया गया ना। माप तौल संबंधित 13 अध्याय किससे है, माप तौल से संबंधित है, ठीक है। देखिए 14 किससे है, तो लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पे प्रभाव डालने वाले विषय दोस्तों, आपको पता है कि जैसे कि आपको डीजे पे प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों, वो इसी के तहत है ना, तो इसी में दोस्तों आपके किसी सुविधा दोस्तों शिष्टता व्यवहार दोस्तों कोई गलत चीज़ करता दोस्तों, उसके लिए ये बताया गया, ठीक है। अब देखिए पेयजल में मिश्रित दोस्तों अगर कोई चीज़ मिला के बेचते दोस्तों, खाद्य पदार्थ वाले दूध दोस्तों बिक्रे वाला, उसमें दोस्तों क्या पानी मिला के बेचता है गलत तरीके से दोस्तों, उसमें उसके लिए दोस्तों 272 बताया गया है दंड ना, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। औषधियों में अपमिश्रण दोस्तों, अगर आप दवा में कुछ मिश्रित करके बेचते हैं दोस्तों, उसके लिए दंड बताया गया 274 में, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है, इनको आप समझ सकते हैं एकदम अच्छे से दोस्तों। इसका हम देखिए पीडीएफ तो दे ही देंगे दोस्तों, पीडीएफ से आप देख लेना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार रिविजन कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि दोस्तों एक दिन में आप इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, केवल और केवल हम वही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट उनको बना देना। चलिए अगला दोस्तों, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना दोस्तों। अश्लील पुस्तक ना आपने देखा होगा, अश्लील तरीके की पुस्तक होती है, मैगजीन होती है, ठीक, उनको अगर दोस्तों आप विक्रय करते हो दोस्तों तो आप दंडनीय होंगे, उसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों आप अश्लील प्रकार के कार्य करते हैं कोई या फिर अश्लील प्रकार के गाने गाते हैं दोस्तों या सुनते हैं दोस्तों, उस पर आपको बताया गया, उसके लिए दंड बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए धर्म संबंधित ना, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में दोस्तों, अगर धर्म से संबंधित आप अपराध करते हैं तो उसके बारे में देखिए दोस्तों 95 में क्या है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने पर, अगर किसी वर्ग के धर्म का दोस्तों अपमान करते हैं या फिर दोस्तों अपवित्र करते हैं, मान लिया दोस्तों मंदिर है, मंदिर में जाकर के आप कोई गलत चीज़ करते हैं, ठीक है, किसी या फिर दोस्तों किसी दूसरे के धर्म के मजहब में कि आप गलत चीज करते हो, उसके बारे में अध्याय 15 में बताया गया। तो अध्याय 15 देख लीजिएगा दोस्तों, कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना दोस्तों, कब्रिस्तान में अतिचार करते हैं दोस्तों तो 1 साल की सजा आपको सुनाई जाएगी, है ना, इस तरीके से आपके बारे में इसके बारे में बताया गया। अगला है दोस्तों 16 अध्याय का है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में दोस्तों, है ना, जो मानव पर सीधा प्रभाव डालते हैं, मान लिया हत्या होता है, ठीक। तो यहां दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि आपराधिक मानव वध क्या होता है दोस्तों, तो 1999 में बताया गया। देखिए आपराधिक मानव वध क्या होता है दोस्तों, मामले आप मान लिया क्या है, देखिए मान लिया ए है,
और बी है। देखिए ए जो है दोस्तों शिकार करने गया और दोस्तों झाड़ी में उसने देखा कुछ हलचल हो रही है तो ए ने गोली चला दी, मगर दोस्तों उसे लगा कि कोई शिकार है दोस्तों और वो गोली बी को लग जाती है। बी दोस्तों वहां बैठा था, बी ए को पता नहीं था दोस्तों कि वहां पे बी बैठा है, ठीक है, उसने जानवर समझ से गोली चला दी, दोस्तों बी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये क्या होता है, ये बध नहीं है, ये मानवबध है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आपराधिक मानवबध का उल्लेख दोस्तों 99 में किया गया है। और दोस्तों हत्या है ना, धारा 300 के तहत हत्या सजा सुनाई, हत्या के बारे में बताया था ना, तो आपराधिक देखिए हत्या का है दोस्तों 300 में, देखिए 299 में आपराधिक मानवबध है और किसमें दोस्तों, और 300 में क्या है हत्या के बारे में बताएगा, क्या हत्या के बारे में बताएगा दोस्तों, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, आपराधिक मानव, अब देखिए आपराधिक मानव और हत्या के बारे में बताएगा 299 और 300, ठीक है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव, जिसको मतलब मृत्यु करना दोस्तों उसके अलावा किसी को जाते दोस्तों, तो वो क्या होता है, मान लिया आपकी इच्छा किसी और को मारने थी, कोई और मर जाता दोस्तों, तो वो हत्या नहीं, वो क्या होता है आपराधिक मानव वध हो जाता है, क्या आपराधिक मानव वध हो जाता है, ठीक। तो इसके बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसके बारे में और देख लेते हैं। जैसे 403 में दोस्तों कहा गया हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, दोस्तों जो हत्या कोर्ट में नहीं आते उसके लिए, देखिए इसी संबंधित दोस्तों क्या मिट्ठू, देखिए धारा 303 से संबंधित क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य दोस्तों, और बच्चन सिंह, देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चन सिंह है ना, बच्चन सिंह बनाम बच्चन सिंह बनाम दोस्तों पंजाब राज्य, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कहा गया था कि मृत्युदंड क्या होगा विरल से विरलतम मामले में, ठीक है, बहुत दोस्तों बहुत गंदे तरीके से आप किसी को मारते दोस्तों आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है, वो बच्चन सिंह से संबंधित था, ठीक, तो ये भी याद कर लेंगे, ठीक, क्या कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे कि तो मिट्ठू सिंह बनाम है ना और दोस्तों बच्चन सिंह बनाम, तो ये दोनों क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए दहेज मृत्यु दोस्तों, दहेज मृत्यु संबंधित है, दहेज प्रथा अधिनियम दोस्तों एक अलग सा है, मगर दोस्तों इसमें भी 304 के खा में दोस्तों दहेज प्रथा के बारे में बताया, दहेज मृत्यु, ठीक है, ये चीज आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा चलते दोस्तों हत्या के आत्महत्या के बारे में दोस्तों, देखिए आत्महत्या का दुष्परिणाम दोस्तों, किसी को आप कहते हैं भैया तुम मर जाओ तुम क्या करोगे है ना, और दोस्तों वो आत्महत्या का प्रयास करता दोस्तों, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, आत्महत्या के लिए दुष्परिणाम करना दोस्तों दंडनीय अपराध है। देखिए हत्या करने के प्रयास, अगर आप आत्महत्या करते दोस्तों तब भी आपको दंड था दोस्तों, वैसे इसको अब हटा दिया गया है तो ये समझ लीजिएगा, ठीक, 307 के तहत ना। चलिए अगला 308 में आपराधिक मानव वध करने का प्रयास ना, तब भी दोस्तों आत्महत्या करने का प्रयास दोस्तों 309, देखिए आत्महत्या करने का प्रयास दोस्तों 309 बताया गया, और ठग दोस्तों, ठगी दोस्तों 310 में, क्या ठगी 310 में दोस्तों, और 311 में क्या है, जो कोई ठग होगा उसको दोस्तों दंड के बारे में बताया गया है 311 दोस्तों, ये 312 समझिएगा गर्भपात करवाना, ठीक है, अगर आप दोस्तों गर्भपात करवाते दोस्तों तो ये आपको 312 के तहत दोस्तों ये आप क्या है दंडनीय है, ठीक है। स्त्री के सम्मत के बिना, देखिए आप मान लिया कोई स्त्री दोस्तों, ठीक है, आप कोई लड़के दोस्तों या फिर स्त्री दोस्तों उसकी सम्मत के बिना अगर गर्भपात करवाया था दोस्तों तब भी आप दंडनीय हो जाएंगे दोस्तों। अवधि देखिए 10 वर्ष की दोस्तों सजा हो सकती है, दंडित किया जा सकता है, जुर्माना दोनों लग सकता है, ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाइएगा। देखिए गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु दोस्तों, मान लिया किसी को गर्भपात करवाते दोस्तों और उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तब भी आप क्या होंगे दंडित हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 314 में बताएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 351 में क्या हमला, किसी पे आप हमला करते हो दोस्तों तो 351 बताएगा दोस्तों हमले के बारे में, ठीक है, तो हमला किसमें 351 में, और 352 में क्या है दोस्तों गंभीर प्रकोपन, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग के लिए दंड दिया गया, ठीक है। 353 आप देखिएगा, 353 ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 354 ये समझिएगा, 354 क्या है दोस्तों कि स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय दोस्तों उस पर हमला या आपराधिक बल दोस्तों उसकी लज्जा भंग करते दोस्तों तब आप 354 के तहत दंडनीय माने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा 354 ए जोड़ा गया जिसमें क्या है किसी के कपड़े उतारने के आशय से उस पर किया गया हमला दोस्तों, आप किसी के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं, या मान ले दोस्तों आप किसी लड़की के लज्जा भंग करते हैं उसके कपड़े उतारते हैं उसको नग्न करने की कोशिश करते हैं दोस्तों तब आप क्या कर रहे हैं एक गलत काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों 354 का में क्या है लैंगिक उत्पीड़न, और लैंगिक उत्पीड़न से दंड के बारे में इसमें बताएगा किसी, देखिए क्या क्या दोस्तों शारीरिक संपर्क में है ना अग्रक्रियाएं करना दोस्तों, अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने के स्पष्ट है ना, या फिर दोस्तों लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना दोस्तों, या फिर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध दोस्तों बालात अश्लील साहित्य दिखाने की कोशिश करना, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है दोस्तों दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए ये चीज आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब देखिए किसी का पीछा करना दोस्तों, कोई ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री का पीछा कर रहा हो दोस्तों, बार बार उसका पीछा कर रहा हो, बार बार उसका पीछा कर रहा हो दोस्तों है ना, इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी तरह से मॉनिटरिंग करता दोस्तों, तो वो भी क्या है दोस्तों दंडनीय अपराध है दोस्तों है ना, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से।
अब दोस्तों देख सकते हैं 364 में क्या है, हत्या करने के लिए अपहरण करना, किसी चीज़ का हत्या करने के लिए अपहरण करना दोस्तों 334 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए विवाह आदि करने से विवश करने के लिए दोस्तों किसी स्त्री का अपहरण करना या फिर अपहृत करना दोस्तों, ठीक है, मान लो दोस्तों विवाह करने से मना कर रहे फिर भी दोस्तों आप उसके पीछे जबरदस्ती पड़े हुए हैं, ठीक है, अर्जुन पंडित की तरह ना, तो ये चीजें दोस्तों। अब देखिए विदेश में लड़की का आयात करना, लड़की बेचना दोस्तों, ठीक है, तो ये भी क्या है, दंड तो है ही है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा है दोस्तों ना। वेश्यावृत्ति के बारे में दोस्तों, मान लिया वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए दोस्तों है ना खरीदना या फिर दोस्तों है ना इज्जत करना दोस्तों, वो भी क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बलात्संग दोस्तों, बलात्संग, ठीक है दोस्तों, बलात्संग के बारे में बताया गया 375 में, ठीक है, 375 में दोस्तों क्या बताया गया है, सामूहिक, जिसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए 375 में क्या है, बलात्संग दोस्तों, रेप है ना, और दोस्तों 376 में आपको बता दें सामूहिक बलात्कार है ना दोस्तों, सामूहिक बलात्संग यानी गैंग रेप जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताया गया, तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। 376 में दोस्तों आपको बता दें जो जोड़ा गया है का, ठीक है, ये देखिए 376 घा, एक मिनट देख लेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए दोस्तों ना क्या है, ये सामूहिक बलात्कार दोस्तों, गैंग रेप बोलते दोस्तों है ना, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी स्त्री स्त्री के ना बलात्संग करना दोस्तों, ये गैंग रेप कहलाता है, ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, हम सीधा चलते हैं चोरी या लूट पे, ठीक है, क्या चोरी और लूट पे दोस्तों, ठीक है, 378, देखिए 317 नंबर का होगा, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में दोस्तों, देखिए 378 में क्या चोरी के बारे में बताएगा, क्या 378 क्या है, चोरी दोस्तों है ना, और 379 चोरी के लिए दंड दिए गए हैं दोस्तों है ना, और 380 में क्या है, गृह निवास आदि में चोरी, मतलब कोई घर निवासी है दोस्तों वहां चोरी करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब 390 में क्या है दोस्तों, कि लूट के बारे में बताया गया, क्या 390 में दोस्तों लूट के बारे में, ठीक है, 380 में चोरी दोस्तों बताया गया दोस्तों, 378 में चोरी और 390 में क्या है लूट के बारे में बताया गया, और 391 में दोस्तों डकैती, क्या 391 में दोस्तों डकैती, डकैती का तो दोस्तों सिर्फ 5 लोग, कम से कम 5 लोग दोस्तों, कम से कम 5 लोग अगर चोरी करने के लिए उद्देश्य दोस्तों जाते हैं संयुक्त रूप से तो उसको डकैती बोलते हैं, ठीक। लूट दोस्तों अकेले भी कर सकते हैं, चोरी अकेले कर सकते हैं, मगर डकैती जो होती है कम से कम दोस्तों 5 लोग, ठीक है। लूट करने के प्रति दोस्तों 393 में बताया गया है, ठीक है। अब आपको बता दें कि अध्याय 18 बताया गया दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी विषयों पर अपराध, कूट रचना करना दोस्तों, किसी चीज़ का नकली चीज़ बनाना, ठीक है, किसी चीज़ का क्या नकली बनाना दोस्तों, उसका कूटीकरण करना दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कूटीकरण के लिए दंड बताया गया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसका अगर नकली चीज़ तैयार करते हो दोस्तों, उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 19 अध्याय 19 देखते हैं, सेवा संविधाओं के आपराधिक भंग के विषय में दोस्तों, इसके बारे में बताया गया, तो इसमें देखते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, विवाह संबंधी, देखिए बीच में क्या है, विवाह संबंधी बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना के विश्वास उत्प्रेरित है ना करने वाले पुरुष द्वारा किया गया सहवास दोस्तों। अब देखिए 494 में क्या है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कर लेना दोस्तों है ना, कि जीवन काल में दोस्तों पुनः विवाह कर लेना, इसके बारे में बताया गया है कि दोबारा विवाह करना, दूसरा विवाह करना, हमने सरला मुद्गल वाला केस भी आपको बताया था दोस्तों। अगला है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण दोस्तों विवाह कर्म कर लेना दोस्तों, आपको विधिपूर्ण विवाह ना करके दोस्तों कपटपूर्ण जबरदस्ती दोस्तों कपटपूर्ण कर लेना, वो है दोस्तों, ठीक है। अगला है जार कर्म, आपको पता है इसको दोस्तों अब उसकी श्रेणी से हरा देगा दोस्तों। जार कर्म क्या होता है, मान लिया दोस्तों किसी ए और बी की दोस्तों शादी होती है, ठीक, हमने जोसफ वाला बताया था दोस्तों, ए और बी की शादी होती है, ठीक है, ए क्या है दोस्तों इसकी बी क्या है दोस्तों ए की पत्नी है, और देखिए ए और बी की शादी होती है दोस्तों, बी जो उसकी पत्नी दोस्तों उसका कहीं और अफेयर होता है दोस्तों, ठीक है, जिससे ए को पता चलता है कि इसका कहीं और अफेयर दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों वो कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वो कहीं मतलब वो क्या कर सकता दोस्तों कि वो अपनी बीवी से तलाक ले सकता है, बस इतना कुछ कर और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो याद रखें दोस्तों जार कर्म ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 497 जार कर्म संबंधी किससे है, 497 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 498 में क्या है, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर दोस्तों ले जाना या फिर लेके भाग जाना दोस्तों, आपको पता कोई विवाहित स्त्री दोस्तों उसको फुसला करके लेके भाग जाना दोस्तों, वो चीज़ इसमें बताया गया है। और देखिए 20 का में क्या है कि देखिए ये आप समझ सकते कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ सकते हैं कि मान लिया कि कोई स्त्री दोस्तों उसके नातेदार या पति द्वारा दोस्तों उसे क्रूरता से मारना दोस्तों पीटना, तो उसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया कि दोस्तों अगर किसी
स्त्री की दोस्तों उसके पति या फिर उसके माता पिता पति के है ना, या फिर कोई नातेदार कुछ कहता है मारता दोस्तों उसके बारे में। जैसे 499 में क्या है दोस्तों, मान हानि के बारे में बताया गया। 499 में क्या है, मान हानि के बारे में बताया गया। ठीक, तो ये चीज आप देख सकते हैं, मान हानि के बारे में बताया गया 499 में दोस्तों, है ना। और 500 में दोस्तों उसी के बारे में बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपकी लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये 511 दोस्तों आजीवन कारावास से संबंधित 23वां। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ हम ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल में डाल देंगे दोस्तों, आप वहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देखिएगा कि इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसको इतनी जल्दी समेटना इतना आसान नहीं है। तो आपको हम पीडीएफ दे देंगे दोस्तों, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।